गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पूर्व मैंने आपको वसंत भाग एक का पार्ट एक पढ़ाया था, वह चिड़िया जो, और मुझे उम्मीद है कि आपको वह पार्ट समझने में कोई कठिनाई नहीं रही होगी और आप उन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का वसंत का पाठ तीन नादान दोस्त पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं हिंदी कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में बहुत सारी कहानियों की रचना करी और इतनी रोमांचक कहानियां लिखते हैं कि अगर आप इनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो उन्हीं कहानी में से एक कहानी आपको मैं पढ़ाऊंगी, नादान दोस्त। जैसा कि शीर्षक देखने के बाद आपको ज्ञात हो रहा होगा कि जरूर ये कहानी किसी नादानी से ही जुड़ी होगी। तो विद्यार्थियों, नादानी का अर्थ होता है जब हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसके परिणाम से हम बिल्कुल भी परिचित नहीं होते, अर्थात जब आप कोई ऐसी गलती कर दें और जिसके रिजल्ट से आप अनअवेयर रहें, अर्थात जिसका रिजल्ट आपको पता न हो कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये कहानी पढ़ाऊंगी, लेकिन कहानी पढ़ाने से पूर्व मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपने बचपन के दिन में जरा चलिए। आप भी जरूर कुछ ना कुछ शरारते करते होंगे और कुछ शरारतें तो ऐसी भी होती होंगी जो आप जानबूझ के करते होंगे, जैसे अपने भाई बहन से झगड़ा करना, दोस्तों को छेड़ना, और कुछ शैतानी ऐसी होती होगी जो आप अनजाने में कर देते होंगे जिसके परिणाम से आप बिल्कुल भी परिचित नहीं होते, और जब तक आपको उसका रिजल्ट समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो जो आज की हमारी कहानी है नादान दोस्त, वो भी कुछ इसी पर आधारित है। तो अब मैं आपको ये कहानी पढ़ाऊंगी। इस कहानी को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगी, इस कहानी में तीन मुख्य खंड हैं। तो पहले खंड से मैं ये कहानी प्रारंभ करती हूं, जिसमें जिसमें दो बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं। एक का नाम है श्यामा जो कि छोटी है, और दूसरे का नाम है केशव जो कि उसका बड़ा भाई है। श्यामा और केशव दोनों भाई बहन। श्यामा और केशव के घर में वो देखते हैं कि दो चिड़ियों ने तीन अंडे दिए हैं, तो वो अंडों को देखकर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहाँ दिए हैं अंडे? उनके घर की कार्निस पर। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा ये कार्निस क्या होता है। बेटा, कार्निस का अर्थ होता है छज्जा। से खिड़की के ऊपर अगर आप देखते होंगे तो एक स्पेस सा होता है कि जो धूप को डायरेक्ट आने के लिए रोकता है। तो चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये खिड़की के ऊपर ये जो जगह है इसे हम लोग छज्जा कहेंगे, इसे ही कार्निस कहा गया है। इस पर इनके घर में ही देखते हैं कि दो चिड़ियों ने तीन अंडे दिए हैं, तो वो दोनों बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं, बस उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पेड़ पर तो घोंसला देखा था लेकिन घर में कभी ऐसे घोंसला नहीं देखा, और अंडे भी उनके लिए एक नई चीज थी। तो वो दोनों अपनी भूख प्यास सब भूल जाते हैं और बस उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और मन में, उनके छोटे हैं दोनों, तो मन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के सवाल भी उठते हैं, और दोनों इतने छोटे हैं कि एक दूसरे को ही सवालों में ही जवाब भी ढूंढते हैं। क्या सवाल आते हैं? ये आते हैं कि अंडे कितने होंगे, अंडे कैसे दिखते होंगे, अंडों का रंग कैसा होगा, बच्चे कैसे निकलेंगे, क्या खाएंगे वो बच्चे। तो इतने मन में सवाल आते हैं, लेकिन कठिनाई ये थी कि घर में उनके इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। उनकी जो माता जी थी वो घर के कामों में इतना व्यस्त रहती थी कि उनको बच्चों के लिए समय ही नहीं था, और जो पिताजी थे उनको काम के दफ्तर से, काम काज से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। तो दोनों बेचारे बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को शांति दे दिया करते थे। तो एक दिन श्यामा भाई से पूछती है कि भैया केशव, दोनों चिड़िया उड़ तो नहीं गई होंगी उनमें से बच्चे निकल कर? तो केशव कहता है, अरे पगली, अभी उनके पर तो आने दे, अर्थात उनके पंखों को तो आने दे, तभी तो वो दोनों उड़ेंगी। तो अब कई बार दोनों एक दूसरे को जवाब देकर मन को शांत कर दिया करते थे। तो तीन चार दिन बीत जाने के बाद दोनों के मन में सवाल आया, शायद अब तो बच्चे निकल गए होंगे और बेचारे बच्चे क्या खाते होंगे, वहां पर तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, और उनकी माँ
कितना परेशान होती होंगी उनके खाने को लेकर, दोनों कितना धूप में भूखे प्यासे पड़े रहते होंगे। तो दोनों को उन बच्चों के ऊपर बड़ी दया आई। तो जो श्यामा अपने भैया से कहती है कि भैया उनको धूप भी कितनी लगती होगी, दोनों बेचारे धूप में, ऊपर तो कुछ छांव भी नहीं है। तो कहता अरे हाँ, मेरे को तो इस बात का ख्याल ही नहीं आया श्यामा। तो केशव कहता है ठीक है ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों ना ऊपर उनके लिए दाना पानी का इंतजाम कर देते हैं और एक चांदनी भी बना देते हैं जिससे उनको कोई कठिनाई ना हो। तो दोनों बच्चे चुपचाप काम में लग जाते हैं, माँ से नजरे छुपाकर, क्योंकि अगर माँ को पता चलता तो उन दोनों की पिटाई होती। तो अब क्या होता है, दोनों जो श्यामा थी माँ से आंखें चुरा कर जो चावल के जो टोकरी थी उसमें से चावल के कुछ दाने लेकर आ जाती है, और जो भाई केशव है वो क्या करते हैं, जो तेल की प्याली थी थोड़ी सी जैसे मटकी टाइप की थी, उसमें क्या करते हैं, उस तेल को नीचे धरती पे चोरी से गिराते हैं और रगड़ रगड़ के उसको अच्छे से साफ करके उसके अंदर पानी डाल देते हैं। अब उन दोनों के मन में ख्याल आया कि अब चांदनी अर्थात अब इनको धूप से बचाने के लिए हम क्या करेंगे। तो दोनों बेचारे सोच में लग जाते हैं। तो केशव बहुत दिमाग लगाता है, फिर केशव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना ये जो सब्जी रखने वाली जो टोकरी है, कूड़ा फेंकने वाली जो ये टोकरी है ना, उसको लेकर आ जा और उसमें हम लोग इसको एक छाया सी बना देंगे। तो फिर श्यामा कहती है अरे भैया बीच में से तो छेद है, अब कैसे बच्चों को हम बचा पाएंगे। तो कहते हैं अरे पगली तू जा, तू लेकर आ, उसमें मैं एक कपड़ा ठूस दूंगा जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो श्यामा कहती है, सोचती है मन ही मन, भैया कितना समझदार है, कितनी बुद्धि है भैया के पास। तो दोनों बच्चे, दिन का समय है, अगले दिन क्या होता है, दिन का समय है तो माँ, गर्मियों की छुट्टियां हैं बच्चों की, तो दिन पिताजी तो दफ्तर गए हुए हैं, तो माँ दोनों बच्चों को लेकर सो जाती हैं। जब सो जाती हैं तो बच्चों को नींद तो कहाँ आने वाली थी, क्योंकि दिमाग में तो उनके ये चल रहा था कि हमें कैसे हम चिड़िया को बचाएंगे। तो दोनों चुपचाप देखते हैं, माँ जब सो जाती है तो चोरी चोरी उठते हैं। आप लोग भी कभी करते होंगे ना, जब माँ आपको सुलाती होंगी इंतजार करते होगी कि माता कब सोए और कब हम यहाँ से उठकर भागे। तो उसी प्रकार ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों बच्चे जब माँ सो जाती है तो चुपचाप उठते हैं और उठकर वहां से कमरा खोलते हैं और बाहर निकल आते हैं। अब दोनों बच्चे अंडों की हिफाजत में लग जाते हैं। केशव क्या करता है, कमरे से स्टूल लेकर आता है जिससे कि वो कार्निस तक पहुंच सके, लेकिन जब काम नहीं बनता तो श्यामा को कहता है जा नहाने की चौकी लेकर आ जा। श्यामा भाग कर नहाने की चौकी लेकर आती है तो नहाने की चौकी के ऊपर ये स्टूल रखते हैं, लेकिन स्टूल की चारे टांगे बराबर न होने के कारण वो डगमग डगमग करने लगता है। तो केशव की जो दिल की धड़कनें वो बहुत तेज बढ़ जाती हैं और ऊपर से ही चिल्लाता है श्यामा के ऊपर, अच्छे से पकड़ वरना आकर तुझको बहुत पीटूंगा मैं। आप भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ते होंगे ना, तो ये दोनों भी ऐसे ही लड़ाई कर रहे हैं ऊपर से भी। तो श्यामा कहती है नहीं नहीं भैया मैं अच्छे से पकड़े हुई हूँ। तो जैसे ही कार्निस पे पहुंच जाता है तो श्यामा कहती है भैया अंडे कितने हैं, तो कहता है तीन अंडे हैं तीन, रुक जा। कहती भैया मुझे भी अंडे दिखाओ ना, वो कहता अरे पगली अभी तू चुप रह, अभी जा तू चिथड़े, अर्थात अंडे जो हैं वो ऐसे ही घास फूस पर पड़े हैं, तो पहले तू जा चिथड़े लेकर आ जा, उसके बाद मैं तुझे अंडे दिखाऊंगा। तो श्यामा भाग कर जाती है, एक कपड़ा लेकर आती है, तो वो कपड़े की दो तीन बार तह लगाता है और अंडों के नीचे रख देता है। और श्यामा कहती भैया अब तो दिखा दो कितने अंडे हैं, मुझे भी बहुत मन है अंडों को देखने का। कहता अरे अभी चुप हो जा, अभी तू जा पहले इनका दाना पानी लेकर आ, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगा। तो वो जाती है दाना पानी लेकर, वो यहाँ पर उसके घोंसलों के पास रख देते हैं, और जो टोकरी है उससे भी शायाना चांदनी बनाकर रख देते हैं पेड़ की टहनी के सहारे। तो फिर अब क्या होता है, अब केशव नीचे उतर आता है। तो केशव के नीचे उतरने के बाद श्यामा कहती है भैया अब मुझे दिखाओ ना, मुझे भी देखना है। तो कहता है अब तुझे नहीं दिखाऊंगा, तू छोटी है अभी, अगर तू गिर विर गई तेरा सर फूट गया तो मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। तो दोनों वहीं पर लड़ने लग जाते हैं, कहते हैं अगर आपने मुझे निकाला तो मैं मम्मी को बता दूंगी। और इतनी देर में क्या होता है, माता जी कमरे से बाहर आ जाती हैं, दोनों बच्चे डर जाते हैं बिल्कुल, और दोनों को माँ अंदर डांटती हुई ले जाती है। तो विद्यार्थियों ये था हमारा प्रथम भाग इस पाठ का,
आगे अब मैं इसका दूसरा भाग आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।